सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केटोजन क्रीम के बारे में, यानी कि इसके बारे में आपको टोटल जानकारी देने वाला हूं कि केटोजन जो क्रीम है वो किन किन प्रॉब्लम पे आप यूज कर सकते हैं, साथ ही इसका क्या मार्केट प्राइस है और कौन सी कंपनी के द्वारा पैकेजिंग की गई है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो केटोजन जो क्रीम है वो मैडली फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा पैकेजिंग की गई, जो कि काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो 93 रुपीज के आसपास में आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगे। वही इसकी जो क्वांटिटी की बात करें तो 20 ग्राम के आसपास इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको मिल जाएगी, जो कि 20 ग्राम आपको इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसमें कि क्या कंपोजिशन डाला गया है और कौन सी कंपोजिशन आपको किन किन प्रॉब्लम पे आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें केटोकोनाजोल क्रीम 2% में अवेलेबल किया गया है, जो कि कीटोजेन 2% क्रीम एक एंटी फंगल दवा है जिसका यूज फंगस के कारण होने वाले संक्रमण में किया जाता है। जैसे त्वचा पे आपको फंगस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदर इसका इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि एथलीट फुट, दाद, वजाइनल इन्फेक्शन, जैसे कि आपको जैसे वजाइनल इन्फेक्शन होती है या आपके गुप्त अंगों के बीच जो इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आप इसके यूज कर सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी है। श्वेत रैश जो शामिल होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फंगस को यह मारकर फंगस के जो मारकर के जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको कम करता है, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको यह कंट्रोल में लाता है। वही इसका रूसी और कैंडिड आइसिस, बैली फीवर और हिस्टोमायोसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक इसका इस्तेमाल आप डर्मेटाइटिस में कर सकते हैं, जैसे कि रूसी की प्रॉब्लम जैसे बाल में होती है उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसका इस्तेमाल दांत खाज की प्रॉब्लम होने पे भी आप कर सकते हैं, सोराइसिस में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल नाभि में जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी कर सकते हैं या सर के खुजली में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको खोल करके बताते हैं किस प्रकार से इसमें जो ट्यूब की पैकेजिंग है कंपनी की तरफ से पैकेजिंग की गई है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो पैकेजिंग है वो काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी है। इसका जो केटोकोनाजोल 2% में अवेलेबल किया गया है इसमें, उसके बाद इसमें दिया गया है जैसे कि आपको क्या प्रिकॉशन रखना है या किसको अवॉइड करना है। तो आप इसको आंखों के कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे या माउथ के कॉन्टेक्ट में, इसको उस जगह से हटा करके इसको आपको यूज करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर आपको फायदा मिलता है। वही देखेंगे कि केटोजन जो क्रीम है वो मार्केट में किन किन फॉर्म में आते हैं। तो एक क्रीम और सॉप दोनों फॉर्म में आती है, जो कि अगर आपको वीडियो चाहिए सॉप के ऊपर तो आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उस वीडियो को भी अपने चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट जैसे कि अगर आप इफेक्टिव एरिया पे इसका यूज करते हैं तो उस जगह पे अगर आपको जलन या किसी प्रकार की परेशानी, खुजली या चमड़ी लाल होना या दाने होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखता है तो आपको इस क्रीम की साइड इफेक्ट हो सकती है। तो आपको फौरन क्रीम को लगाना बंद कर देना है, अब फौरन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदरवाइज अगर आपको साइड इफेक्ट ज्यादा दिन तक रखता है तो आपको डॉक्टर से दिखाना जरूरी हो सकती है। इसका इस्तेमाल आपको ज्यादा दिनों तक नहीं करना है, 2 सप्ताह तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल बहुत लोग फेस पे करते हैं, तो फेस पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कूड़े होने के लिए। जैसे कि अगर आपके फेस पे फंगस की प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, साथ ही इसको आपको आई के कॉन्टेक्ट में या माउथ के कॉन्टेक्ट में नहीं लेना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंडली फार्मास्यूटिकल के काफी अच्छी और काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो कि काफी सस्ता में आपको केटोकोनाजोल क्रीम 2% में अवेलेबल किया जाता है। वहीं बात करेंगे लुलिकोनाजोल जो 2% या 1% होते तो उसकी काफी जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसका काफी प्राइस अफोर्डेबल दिया गया है कंपनी की तरफ से, और काफी इसकी जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट है। और जब भी आप मार्केट से लेने जाए तो आप सबसे पहले इसका सील जरूर देख लेंगे, और एक्सपायरी डेट भी आपको चेक करना बहुत ही जरूरी हो सकती है। तो इसको परचेज आपको कहाँ से करना, तो किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप से आप आसानी से इसको अवेलेबल परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन परचेज करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको दांत खाज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अगर आपको कोई भी क्रीम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।